दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कितना फ़र्क होता है जब हम लोग एक कंपैरिजन देखेंगे मेन के फैट लॉस का और वुमेन के फैट लॉस का। थोड़ा दोनों को कंपेयर करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके की डिफ़िकल्टीज आती हैं मेन को और वुमेन को, और उनको दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ। वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों पहले जान लेते हैं कि हम लोग अगर बात करते हैं बॉडी कॉम्पोजिशन की, बॉडी कॉम्पोजिशन में हम लोग अगर मेन और वुमेन को कंपेयर करें तो दोनों में कितना डिफरेंस होता है और क्या प्रॉब्लमेटिक एरियाज होते हैं मेन के और वुमेन के। पहले हम लोग बात कर लेते हैं अगर वुमेन की, तो उनके जो प्रॉब्लम एरियाज होते हैं जब हम लोग फैट की स्पेशली बात करें वो होते हैं हैमस्ट्रिंग। आपने इस तरीके के अगर गर्ल्स के कभी आप अगर देखें कि जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज उनको लगते हैं, वो लगते हैं कि इस तरीके से जब उनकी हैमस्ट्रिंग्स दिखते हैं या फिर ऐसे ही कुछ उनके ग्लूट्स दिखते हैं, उनको सबसे ज़्यादा इशू इससे होता है। इसके अलावा प्रॉब्लमेटिक एरियाज होते हैं उनका एब्डोमिन और कुछ हद तक उनका जो ट्राइसेप वाला एरिया होता है आर्म्स का वो। अगर हम इसमें बात करें मेन की, मेन को जनरली ये हैमस्ट्रिंग में और इस तरीके से ग्लूट्स में बहुत ज़्यादा फैट डिपोजिशन देखने वाला नहीं होता जो कि दिखे। तो एक सबसे बड़ा फ़र्क जो होता है वो ये होता है कि जो ये दिखने वाला फैट है यानी कि सबक्यूटेनियस फैट जो होता है, जो स्किन के ऊपर हमें सतह के ऊपर दिखता है, सरफेस के ऊपर जो दिखता है, स्किन के सरफेस के ऊपर जो दिखता है, जो आंखों से दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं विजिबल फैट। ये वुमेन के अंदर थोड़ा सा उनके हैमस्ट्रिंग में, उनके ग्लूट्स में ज़्यादा होता है और मेन के अंदर ये चीज़ नहीं होती है। उनको ज़्यादातर ये प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, उनके एब्डोमिन में। और सबक्यूटेनियस फैट के साथ साथ उनको विसरल फैट ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि विमेन के अंदर विसरल फैट नहीं होता है, लेकिन प्रपोर्शन थोड़ा कम होता है, उनको सबक्यूटेनियस फैट ज़्यादा होता है। मेन के अंदर क्या होता है कि विसरल फैट थोड़ा ज़्यादा होता है और सबक्यूटेनियस फैट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, सबक्यूटेनियस फैट थोड़ा कम होता है। दोनों में अगर आपको फ़र्क समझना है, विसरल फैट अक्सर हम लोग उसको बोलते हैं जहाँ पर जो हमारा ऊपर से हमें दिखता नहीं है लेकिन ऑर्गन के चारों तरफ वो होता है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा आपने मेन को ऐसा देखा होगा जो अपने लेटर थर्टीज़ या फिर 40s के एज में जिनका पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा होता है, तोन बहुत ज़्यादा बाहर निकल रही होती है लेकिन उनकी स्किन बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है। तो सबक्यूटेनियस फैट बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन विसरल फैट जो कि ऑर्गन्स के अराउंड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है। तो इसलिए मेन के अंदर थोड़ा मैं कहूँगा कि एज कम्पेयर टू वुमेन विसरल फैट थोड़ा ज़्यादा होता है, वुमेन के अंदर सबक्यूटेनियस फैट जो कि ऊपर से दिखता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। अब इसका एक रीज़न ये भी है कि थोड़ा सा हार्मोनल बैलेंस का, कि मेन के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है और वुमेन के अंदर एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है। दूसरा, सिंस वुमेन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है चाइल्ड बेयरिंग की, तो उनका बॉडी कॉम्पोजिशन इसी वजह से थोड़ा सा इस तरीके से होता है जहाँ पर उनके जो फैट स्टोर्स हैं वो थोड़े से ग्लूट्स के ऊपर या फिर हैमस्ट्रिंग के ऊपर ज़्यादा होता है। अब ये तो बात रही दोस्तों थोड़ी सी बॉडी कॉम्पोजिशन की। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि कितना फ़र्क होता है और कितना प्रोग्रेशन का फ़र्क होता है कि किसको ज़्यादा जल्दी रिजल्ट देखने को मिलते हैं हम लोग अगर वेट लॉस और फैट लॉस की बात करें तो। आई एम रियली सॉरी गर्ल्स, यहाँ पर थोड़ा सा मेन को एडवांटेज है क्योंकि अगर इसको मैं रिसर्च के साथ भी प्रूव करूँगा, लेकिन अगर रिसर्च के ऊपर हम लोग फिलहाल नहीं भी जाएँ, हम लोग एक लॉजिकल बात यहाँ पर देखें तो मेन को जो है फैट लॉस और वेट लॉस थोड़ा जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। उसका एक रीज़न ये भी बिकॉज जेनेटिकली मेन का एज़ कम्पेयर टू वुमेन मेटाबॉलिक रेट थोड़ा हाई रहता है, और दूसरा जो हमारा बॉडी कॉम्पोजिशन है उसमें हमारा लीन मसल मास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। और अगर हम बात करें एक टिश्यू की, तो लीन मसल मास यानी कि मसल मास जो होता है वो मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव होता है फैट मास से। यानी कि हम आइडियल भी अगर बैठेंगे, मेन अगर आइडियल भी बैठेंगे तो वो ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन। इसकी वजह से क्या है कि हमारा कैलोरी का कंजम्पशन जो होता है वो ज़्यादा होता है, और अगर हम वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं तो वो हाई मेटाबॉलिक रेट प्लस लीन मसल मास ज़्यादा हाई है, तो हमारा कैलोरी का जो एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी बढ़ता है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हमारे लिए डेफिसिट क्रिएट करना भी थोड़ा सा आसान होता है। और इसी वजह से हम लोग कुछ हद तक, मैं तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, बट यस कुछ हद तक मेन विल हैव अ गुड प्रोग्रेशन ऑफ वेट लॉस एज वेल एज फैट लॉस एज कम्पेयर टू वुमेन। और यही सेम चीज़ एक स्टडी है दोस्तों जहाँ पर, हालांकि वो स्टडी मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इस एक नॉर्मल इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐप नहीं बैठती, बिकॉज वो स्टडी जो है वो एक ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर करी गई थी जिनको कि शुगर प्रॉब्लम थी, जिनको कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी।
जब इन सब्जेक्ट्स को एक ऐसे फिटनेस रिजीम के ऊपर डाला गया जहाँ पर ये चेक करा गया कि उनका फैट लॉस का प्रोग्रेशन कैसा है, वहाँ पर ऐसा देखा गया कि मेन वर एबल टू लूज़ फैट एट अ फास्टर रेट, यानी कि उनको फैट लॉस जल्दी भी हुआ और उनको फैट लॉस ज़्यादा भी हुआ एज़ कम्पेयर टू देयर वीमेन काउंटर पार्ट। ये उन सब्जेक्ट्स की बात है जिनको कि डायबिटीज़ था। लेकिन कहीं ना कहीं रिसर्च का जो आउटकम था उसमें भी कंक्लूजन में ऐसा पॉइंट दिए गए थे कि इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं कि हाँ, कुछ हद तक ऐसा कहा जा सकता है कि मेन को थोड़ा ज़्यादा रेशो से वेट लॉस या फिर फैट लॉस देखने को मिलेगा अगर हम रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे एज़ कम्पेयर टू वीमेन। इसके अलावा दोस्तों एक और जो रीज़न है जिसकी वजह से कि वीमेन को थोड़ा स्लो होता है प्रोग्रेशन फैट लॉस का और वेट लॉस का, वो होता है उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि मेन के केस में होते ही नहीं है। क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कुछ वीमेन को तो ब्लोटिंग की वजह से और ज़्यादा वाटर रिटेंशन की वजह से उनका स्केल के ऊपर वेट ज़्यादा दिखता है। इसके अलावा एक चीज़ होती है PMS, जो कि होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हम एक ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं जहाँ पर कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल प्लस कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल प्लस फिजिकल चेंजेस होते हैं एक वीमेन की बॉडी में, जहाँ पर उनको इरिटेबिलिटी की वजह से, उनके मूड स्विंग्स की वजह से, उनके ओवर सेंसिटिविटी की वजह से और जो इस तरीके के कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होते हैं। कई बार काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ईटिंग भी हो जाती है। कई बार वो ना चाहते हुए भी काफ़ी ज़्यादा स्वीट्स और ऐसे काफ़ी ज़्यादा फूड आइटम्स खा लेते हैं जो कि उनके डाइट का पार्ट नहीं होता। ये काफ़ी ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि बहुत रेयर चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है वीमेन के अंदर, जो कि मेन के अंदर नहीं होता है बिकॉज वी डोंट गो थ्रू मेंस्ट्रुएशन। सो इसकी वजह से ये भी एक कारण है कि उनके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाले जो डेज होते हैं वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वो टाइम पीरियड उनका ऐसा होता है जो कि प्रॉपरली, जिस पर वो अपना फिटनेस के ऊपर प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका जब हैवी फ्लो होता है उसकी वजह से आपके वर्कआउट भी आप ठीक से नहीं कर पाते हैं, काफ़ी लोग तो जिम ही नहीं जा पाते हैं। तो इसकी वजह से भी अगर हम बात करें, अगर हम एक कंपैरिजन देखें तो आप अगर मेन वर्सेस वुमेन में, अगर मेन को भी हम 30 डेज दें, वुमेन को भी हम लोग अगर 30 डेज दें, तो ये जो 5-6 डेज हैं जहाँ पर वो अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान उनके जो उनके अंदर जो बॉडीली चेंजेस होते हैं अगर हम इसको काउंट करें, तो वैसे भी वुमेन के पास 30 में से वो 5-6 डेज 7 डेज है ही नहीं। तो जो बाकी 22-23 दिन रह गए अगर हम उसको कंपैरिजन करेंगे 30 डेज़ के कमिटेड वर्कआउट से या फिर 30 डेज़ के कमिटेड फिटनेस लाइफस्टाइल से, वो वैसे भी थोड़ा सा वेट कंपैरिजन। और इसकी वजह से भी वीमेन का जो फैट लॉस होता है और जो वेट लॉस होता है वो थोड़ा सा लिंगर ऑन कर जाता है एज़ कम्पेयर टू मेन। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि अक्सर वीमेन कई बार इस चीज़ को नहीं सोचते हैं। वो अपना कंपैरिजन जब मेन के साथ करते हैं तो मैं उनको कई बार, कितना बार समझाता हूँ अपने क्लाइंट्स को भी कि आप ये डायरेक्ट कंपैरिजन कभी कर ही नहीं सकते हैं बिकॉज आपका जो बॉडी है, आपका जो साइकिल होता है मंथ का, मेन डू नॉट हैव दैट। इसलिए मेन हैव एन एडवांटेज ओवर यू व्हेन इट कम्स टू फैट लॉस एंड वेट लॉस। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा सोच लें कि वीमेन का फैट लॉस धीरे ही होगा। देर आर इंडिविजुअल वेरियंसेज एज वेल। और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई मेन की अगर हम लोग बात करें, अगर कोई कोई इंसान अगर बिल्कुल सोफे पे बैठा रहेगा, जिम ही नहीं जाएगा और अच्छी डाइट नहीं लेगा, और एक अगर हम वीमेन की बात करें वो अच्छे से डाइटिंग भी करेंगे और वो अच्छा जिम में जाकर वर्कआउट भी करेंगे, अगर हम उनका कंपैरिजन करेंगे, यस, वो वीमेन जो कि अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, जिन्होंने लाइफस्टाइल चेंजेस करे हैं, उनको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हम लोग यहाँ पर एक जनरल कंपैरिजन की बात कर रहे हैं कि अगर हम बाकी सारे फैक्टर्स एक तरफ रख दें, अगर हम कंपैरिजन करें एक नॉर्मल ऐसे आइसोलेटेड एनवायरनमेंट की जहाँ हम लोग बात करें सिर्फ मेन वर्सेस वुमेन इन टर्म्स ऑफ वेट लॉस एंड फैट लॉस, देन यस, मेन हैव एन एडवांटेज बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ देयर मेटाबॉलिक रेट, बिकॉज उनके अंदर लीन बॉडी मास, लीन मसल मास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फैट मास। इसके अलावा हम वी डोंट गो थ्रू एनी काइंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग द मंथ। सो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये मेन के फेवर में होते हैं, इसीलिए मेन को थोड़ा सा रिजल्ट ज़्यादा जल्दी देखने को मिल सकता है। हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है, देर आर ऑलवेज वेरियंसेज, देर आर ऑलवेज एक्सेप्शन टू एवरी पॉसिबल सिनेरियो। तो दोस्तों यही था एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं चाहता था कि आप तक पहुँचे कि किस तरीके से क्या फ़र्क होता है मेन वर्सेस वुमेन का फैट लॉस के टर्म्स में। काफ़ी दिनों बाद मैंने वुमेन फिटनेस के ऊपर एक टॉपिक कवर करा है। अगर आप लोगों को दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरीके के टॉपिक्स कवर करूँ स्पेशली रिलेटेड टू वुमेन फिटनेस एज वेल, प्लीज़ मेंशन करना कमेंट सेक्शन में। अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि उनके ऊपर भी और वीडियोज़ बनाऊँ। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल के ऊपर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा दोस्तों आप अगर ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन में हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, आप लोगों कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है sixpacktummy.com, जो कि इस चैनल का नाम भी है। बाकी दोस्तों आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चीज़